नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू वाइस में। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था और इसमें मैं आपको बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वह है वायु दाब। इससे पहले जो भी टॉपिक चला हुआ तापमान से रिलेटेड था, नेक्स्ट टॉपिक में चल रहा है वायु दाब। वायु दाब किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे एक शब्द है दाब, पहले इस शब्द को समझना होगा। दाब तो दाब क्या होता है कि फोर्स के द्वारा डिनोट होता है, एक बल लग रहा है किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में। जो एरिया है, एरिया पे एक बल लगा रहे हैं तो इसे हम लोग दाब बोलते हैं। दाब को नॉर्मल भाषा में पास्कल के द्वारा मापा जाता है, तो दाब को तो पास्कल में माप लेते हैं और इसे मेजरमेंट किया जा सकता है, इसे यूनिट के द्वारा भी। तो यहीं पे बात कर रहा है दाब में, वायु दाब। पूरा वायु दाब है तो जल का भी दाब होगा, वाटर प्रेशर भी होते हैं, अर्थात हर चीज का एक दाब रहता है, वो चाहे गैस हो जल हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग वायु दाब का, वायु के द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में। तो देखिए सबसे पहला देखना होगा कारण क्या है, वायु का दाब क्यों होता है। वायु दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी वस्तु का एक भार होता है, पृथ्वी के द्वारा जो हम अर्थ है, अर्थ के द्वारा वस्तु पे एक भार लगाया जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जाता है। पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का भार होता है। तो पृथ्वी के चारों साइड में एक वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के चारों साइड वायु का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो इस वायुमंडल का भी एक दाब है, एक भार है। क्यों है? बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, अर्थात ग्रेविटेशन बल के कारण जो वायु रहते हैं उसका एक भार होता है, और ये भार किस पे लगता है? तो बोलेंगे धरातल पे लगता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु का एक भार है, वायु का भार ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है, और ये भार किस पे लग रहा है? धरातल पे लग रहा है। और धरातल पे क्या होते हैं? तो बोलेंगे धरातल पे जीव जंतु वनस्पति होते हैं। तो जीव जंतु वनस्पति मनुष्य सारी इसी में शामिल है, तो इस पे लगातार एक दबाव पड़ते रहता है, अर्थात वायु के द्वारा हम पे लगातार एक दबाव लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। इसी के कारण से लाइफ सस्टेन है, लाइफ जो बनी हुई है वायु दाब के कारण बनी हुई है। और ये कहाँ से आ रहे हैं? बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आ रहे हैं। देखिए जो अधिक पास है ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थात जो भी पोर्शन पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है वहां पे ग्रेविटेशन क्या रहता है? अधिक रहता है। इस चीज को समझना है आपको। देखिए ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र के निकट है, अगर पृथ्वी का सेंटर ये मान लेता हूं मैं, तो ध्रुव जो है पृथ्वी पूरी तरीके से गोला नहीं है, पूरी तरीके से गोला भी नहीं है, ना ही पृथ्वी जो है किसी अन्य अंडाकार के आकृति का है। पृथ्वी जो है जियोड आकृति का है, ध्रुवों पे, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे दबा हुआ है, अर्थात ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट में पृथ्वी दबा हुआ है, ये ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे पृथ्वी थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ है। तो पृथ्वी का सेंटर मान लेता हूँ, पृथ्वी का केंद्र ये, यहाँ पे पृथ्वी क्या है, दबा हुआ है, ये पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है, और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पृथ्वी उभरी हुई है विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे पृथ्वी में एक उभार है, अर्थात ये वाला पॉइंट जो है पृथ्वी के केंद्र से दूर है। क्या बोलना है? दो पॉइंट है ध्यान देना आपको, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, और ये ध्रुव वाला क्षेत्र है। तो देखिए यहां से यहां तक लंबाई जो है कम है, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है,
तो बोलेंगे ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और पृथ्वी के केंद्र से जाने पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, विषुवत रेखा पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो ध्रुव पे किसी भी क्षेत्र का भार बढ़ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं ग्रेविटेशन फोर्स वैसे वैसे कम होने लगता है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, चारों दिशाएं मान लेते हैं, अगर आप खड़े हैं पृथ्वी के केंद्र से लेके इसके बीच पे आप खड़े हैं कहीं भी, तो सबसे अधिक नजदीक ध्रुव है, विषुवत रेखा सबसे दूर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स अधिक है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट है वायु का दाब क्या होता है। अब इसको वो मापेंगे किसमें, बोलेंगे मापने वाला एक यंत्र है, मापने वाला यंत्र है बेरोमीटर। जैसे थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, ठीक उसी प्रकार से जो बेरोमीटर होते हैं, बेरोमीटर क्या करते हैं आपसे वायु दाब को मापते हैं। याद रखना है आपको, बेरोमीटर एक यंत्र है जो वायु दाब को मापता है, किस तरीके से, जिस तरीके से थर्मामीटर तापमान को मापता है। अब तापमान को डिग्री सेल्सियस में आप दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का तापमान कितना है, ठीक इसी तरीके से बेरोमीटर के द्वारा भी दिखाया जाएगा, उसको मिली बार में मापेंगे, मिली बार। तो वायु दाब को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, मिली बार, शॉर्टकट में ऐसे दिखाएंगे मिली बार। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मिली बार क्या होता है। सीधा सा याद रखना है आपको कि ये यंत्र है बेरोमीटर, जैसे थर्मामीटर यंत्र है, थर्मामीटर दिखाता है क्या है, डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है, तो बैरोमीटर क्या दिखाएगा, मिली बार दिखाएगा। दाब जो रहेगा वायु का दाब, वायु दाब वो आपको दिखाना है, नॉर्मल वायु दाब कितना रहता है, तो बोलेंगे समुद्र तल पे लिखना है यहाँ पे, समुद्र तल पे 76 सेंटीमीटर आपको दिखाना है, 76 सेंटीमीटर वायु दाब रहते हैं। मिली बार में दिखाना है तो 760 मिली बार, सॉरी मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, और मिली बार में दिखाना है तो बोलेंगे 1013 मिली बार, 1013 मिली बार। समुद्र तल पे जो एक नॉर्मल सरफेस है, सतह जो आपका समुद्र तल है, सरफेस है समुद्र के इक्वल पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है 1013 मिली बार मिलेंगे। लेकिन अगर ये हिमालय जैसा माउंटेन पर्वत ऊपर चले जाए तो यहाँ मिली बार कम हो जाएगा क्योंकि तो हाइट अधिक हो गया। तो ये समुद्र तल है और ये ऊंचाई, समुद्र तल और ऊंचाई, तो समुद्र तल के साथ ही ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे मिली बार कम होते जाएगा, जैसे जैसे आप समुद्र तल पे जाएंगे तो क्या होगा, मिली बार बढ़ता हुआ जाएगा और नीचे में मिली बार बढ़ जाएगा समुद्र तल के नीचे, क्योंकि दाब बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो वायु दाब ना बोल के जल का दाब आएगा। अगर आप डीप वाटर में चले जाए, समुद्र में मान लेता हूँ ये समुद्र का जल है, इसके अंदर चले जाए, जैसे पनडुब्बी तैरती है, मछली तैरती है, तो उस पे जल का एक दाब लगेगा, जल दाब वो बहुत अधिक हो जाता है। इसी तरीके से ऊंचाई से आप समुद्र तल पे आ रहे हैं तो वायु दाब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं समुद्र तल से तो वायु दाब कम होता चला जाएगा। तो 10 को 13 मिली बार याद रखना है, समुद्र तल पे है, दो यहाँ अलग से है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल मिली बार को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोलेंगे मिली बार तो दाब है, तो इसमें दिखाना है 1 ग्राम वस्तु है, 1 ग्राम वस्तु का भार बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात एक क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इस पे भार कितना है, वजन मास, और इसको कैसे दिखाएंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो मास कितना है, जब भी मास को बात करते हैं तो इसके साथ जी लगे रहता है क्योंकि भार है, भार के साथ में हमेशा से क्या लगा रहता है,
गुरुत्वाकर्षण बल लगे रहता है, किसी वस्तु का वजन प्रति सेंटीमीटर पे कितना है इसको मिली बार बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। आइए अब देखें नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर में जो है वायु दाब को क्या क्या प्रभावित करते हैं। ये तो वायु दाब है, नॉर्मल भाषा में वायु दाब बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायु का एक भार होता है, ये भार पृथ्वी पे लगातार या धरातल पे लगातार क्या है दबाव डालता है, जिसे वायु दाब कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, क्या लिख रहे हैं कि वायु दाब है, वायु दाब को प्रभावित क्या क्या कारक कर रहे हैं। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक में एक बना लीजिए इस तरीके से फ्लो चार्ट कि क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं। पहला नंबर पे तापमान, सेकेंड नंबर पे ऊंचाई, थर्ड नंबर पे बोलेंगे जल वाष्प, जल वाष्प, और फोर्थ नंबर पे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्र बल। ये सब प्रभावित करते हैं वायु दाब को। अब एक एक को देखते हैं हम, ठीक है। तापमान और वायु दाब, तापमान वायु दाब के बीच विलोम का संबंध है। एक साइड तापमान करिए और दूसरे साइड वायु दाब विलोम कर लीजिए, अनुपात में दोनों के बीच में विलोम का अनुपात है। जब तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है टी फोर टेम्परेचर तो बोलेंगे मिली बार जो है वायु दाब इसमें कम हो रहा है, ठीक है। अर्थात जब थर्मामीटर थर्मामीटर इसका तापमान बढ़ेगा तो बैरोमीटर जो है, क्या लिखेंगे, बैरोमीटर का जो माप है वो नीचे चला जाएगा मिली बार में। तो थर्मामीटर का तापमान तो बढ़ रहा है, बैरोमीटर का तापमान कम हो रहा है, इन दोनों के बीच विलोम संबंध है। ऐसा क्यों, तापमान और वायु दाब में विलोम का संबंध क्यों है? क्योंकि वायु है, ध्यान से देखिए वायु, ये वायु गर्म होती है, गर्म होने के बाद क्या होगी, वायु गर्म होती है तो गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद क्या है फैलती है, फैलने के बाद क्या है पसार होता है, फैलने के बाद ये चारों दिशाओं में फैल जाएगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उड़ गई तो वायु भार क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। धरातल के पास कोई भी चीज है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी अधिक है, तापमान मान लेते हैं, अगर धरातल के पास है धरती गर्म हो गई तो उसके से लगने वाली वायु भी गर्म हो जाएगी, वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठने के फैलेगी, फैलने के कारण क्या हो जाएगा लगातार और ऊपर उठते चली जाएगी, इस तरीके से वायु दाब कम हो जाता है। होता क्या है, तो गर्म करने पे किसी वस्तु का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होता है तो क्या होता है आयतन अधिक हो जाता है, आयतन अधिक हो जाता है और वो क्या होती है हल्की होके ऊपर उठती है। ये फिजिक्स का कुछ नियम है, देखना होगा। आप किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं क्या होता है, गर्म होने के बाद डेंसिटी उसकी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, आयतन विस्तार हो जाता है, वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद ऊपर उठती है, तो उस स्थान में वायु तो कम हो जाएंगे, जब वायु कम हो जाएगा तो वायु दाब कम हो जाएंगे, वायु अधिक तो वायु दाब अधिक, वायु कम तो वायु दाब कम। देखिए वायु अधिक तो वायु दाब अधिक, वायु कम तो वायु दाब कम। गर्म हुआ वायु, हल्की हुई फैली ऊपर की ओर उड़ गई, वायु दाब कम हो गया। होता क्यों है, क्योंकि गर्म करने पे कोई भी चीज उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, आयतन क्या है आयतन अधिक हो जाता है, हल्की होकर वो चीज ऊपर की ओर उठती है। यही है तापमान और वायु दाब में, जहां भी तापमान अधिक होंगे वहां पे वायु दाब कम होता है। अब ऊंचाई के साथ वायु दाब का एक रिलेशन, ऊंचाई के साथ वायु दाब का क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे आप
ऊंचाई पे जा रहे हो, देखिए ऐसे करके। हाँ ऊंचाई मान लेता हूँ यहाँ तक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई, ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे वैसे वायु का स्तंभ, ये वाला स्तंभ देखिए ध्यान से, वायु का स्तंभ यहाँ पे अधिक दिखाई दे रहा है, वायु का स्तंभ ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, वायु का स्तंभ अर्थात वायु अधिक है। एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, चार पांच ऐसे करके चल रहे हैं आप, मान लेता हूँ 8 किलोमीटर तक चले, तो अभी आप धरातल पे हैं, ये जो है सरफेस धरातल पे है और डी जो है ये ऊंचाई पे है। एक और अगर पकड़ना है तो यहाँ ई ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, ए, ए वाले पॉइंट पे वायु का स्तंभ अधिक ऊंचाई दिख रहा है, अर्थात वायु का स्तंभ क्या है, ऊंचा है, ठीक है, वायु का स्तंभ का मतलब है कि वायु अधिक है। बी पॉइंट पे वायु इससे कम हो गई, सी पे बी की तुलना में कम हो गया, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ए और ई के बीच देखिए स्तंभ की लंबाई में कितना अंतर आ रहा है, बहुत अधिक अंतर आ जा रहा है, कि ए के पास स्तंभ अधिक है, ई के पास स्तंभ कम है, तो ई के पास वायु स्तंभ छोटा हो गया, वायु स्तंभ छोटा है अर्थात वायु कम हो गया, तो ई के पास वायु का स्तंभ कम है तो वहां पे वायु दाब कम होगा, ए के पास वायु का स्तंभ अधिक है तो वायु दाब अधिक होगा, क्योंकि वायु दाब जो लग रहा है वो एक स्तंभ के रूप में लग रहा है, ये पूरा वायु से भरा हुआ एक स्तंभ है, मान लेते हैं वायु स्तंभ, तो पूरा वायु से भरा हुआ एक स्तंभ है, इसी का तो दाब है, यही तो वायु दाब है। जैसे जैसे स्तंभ कम करते चलेंगे वायु दाब वैसे वैसे क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा, यही कारण है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वायु का स्तंभ कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाते हैं, और समुद्र तल पे वायु का स्तंभ क्या है, अधिक बड़ा होता है और वायु दाब अधिक होते हैं। तो ऊंचाई और वायु दाब में किस तरीके का संबंध दिखाई दे रहा है, कि अधिक ऊंचाई तो वायु दाब कम, विलोम का संबंध दिखाई दे रहा है, कम ऊंचाई तो वायु दाब अधिक, तो इसमें भी उल्टा कर लेंगे संबंध, ऊंचाई और वायु दाब के बीच में भी विलोम का संबंध, अर्थात अधिक ऊंचाई वायु दाब कम, कम ऊंचाई वायु दाब अधिक, तो ये है आपका दो फैक्टर वायु दाब को प्रभावित कर रहे हैं, एक तो तापमान ऊंचाई, नेक्स्ट में है जल वाष्प। अब देख लेते हैं जल वाष्प क्या होता है, अगर वायु में जल वाष्प हो, जो वायु रहता है अगर इसमें जल वाष्प रहता है तो जल वाष्प होने के कारण क्या रहता है, वायु हल्की हो जाती है, वायु हल्की होती है, जो वायुमंडल है वायुमंडल में गैस रहते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से, जल वाष्प का मतलब होता है H2O जो है ये आपका गैस के फॉर्म में हो। जल किस रूप में रह सकते हैं, जल तीन फॉर्म में रह सकते हैं, या तो ठोस के रूप में रह सकता है जैसे बर्फ, या तो जल के रूप में लिक्विड के रूप में रह सकता है द्रव के रूप में जो पी रहे हैं पानी, और तीसरा गैस के रूप में रह सकता है, ठीक इसी तरीके से जो जल वाष्प है अगर वायुमंडल में जल वाष्प रहता है तो वायु हल्की हो जाती है, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसकी तुलना में जल वाष्प 40% तक वजन कम रहता है, क्या बोलेंगे, वजन कम होता है, तो क्या बोलेंगे 40% तक वजन कम हो जाता है, यह है जल वाष्प से संबंधित कंसेप्ट। अब है ग्रेविटेशन, तो एक बार फिर से ग्रेविटेशन को भी देख लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण कैसे संबंधित है वायु दाब से, जो गुरुत्वाकर्षण रहता है ध्रुवों के पास अधिक रहता है, बोलेंगे ध्रुव के पास ग्रेविटेशन फोर्स अधिक है, तो ध्रुव के पास वायु दाब भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा, तो
क्या बोलना है आपको कि ध्रुव के पास ग्रेविटेशन फोर्स अधिक है, रिजल्ट यह है वायु दाब भी क्या रहता है, अधिक रहता है, लेकिन वही आपका विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो वायु दाब भी क्या रहता है, कम रहता है। अर्थात कोई भी क्षेत्र जो पृथ्वी के केंद्र से, क्या बोलेंगे, पृथ्वी के केंद्र से, कोई भी क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अगर दूर है तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण कम होगा, गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वायु दाब भी क्या हो जाएगा, वायु दाब भी कम होंगे। सीधा सा ये निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर पृथ्वी का केंद्र पे आप खड़े हैं, वहां से दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। ये पृथ्वी का सेंटर है, यहां से जैसे दूर जा रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र से अगर दूर जा रहे हैं ग्रेविटेशन कम होगा, वायु दाब कम हो जाएंगे। विषुवत रेखा पे वायु दाब कम है, ध्रुवों पे वायु दाब क्या है, अधिक है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अधिक है, गुरुत्वाकर्षण अधिक। अब देखिए यह है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल वायु दाब के बीच क्या संबंध है, अपकेंद्र बल होता क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है, इसे अपकेंद्र बल कहते हैं। पृथ्वी पे अपकेंद्र बल सबसे अधिक कहाँ रहता है, बोलेंगे विषुवत रेखा पे। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे अपकेंद्र बल अधिक होते हैं, अपकेंद्र बल अधिक है। अपकेंद्र बल अधिक होने के कारण विषुवत रेखा पे वायु जो है बाहर की ओर जाती है। तो वायु क्या है, सीधा है, घूम रही है वो चीज, वो फेंकेगी किसी चीज को, तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे पृथ्वी का घूर्णन अधिक होगा, वो चीज बाहर फेंकाएगा। क्या फेंका रहा है, तो वायु बाहर की ओर फेंका रहे हैं, तो वायु फेंका रहे हैं, अर्थात यहाँ पे वायु दाब कम होगा। जहां भी वायु नहीं हो, वायु दाब कम होगा। वायु कम है, वायु दाब कम होगा, वायु अधिक तो वायु दाब अधिक, ठीक इसी तरीके से। तो विषुवत रेखा पे वायु दाब कम होता है, कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, अपकेंद्र बल के कारण वायु बाहर की ओर जा रही है यहाँ सेंटर से, और वायु दाब कम होता है। और उल्टा स्थिति यहाँ पे है ध्रुवों पे, ध्रुवों पे क्या होता है, अपकेंद्र बल कम हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स अधिक हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण देखिए, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे ध्रुवों पे अधिक है और अपकेंद्र बल विषुवत रेखा पे अधिक है, ये यहाँ पे है, और ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ध्रुवों पे। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अपकेंद्र बल विषुवत रेखा पे है, हवा को बाहर की ओर फेंक रही है, वायु दाब कम है, ग्रेविटेशन फोर्स ध्रुवों पे अधिक है, तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होने के कारण वायु दाब अधिक है। वैसे भी ध्रुवों पे भार हमेशा बढ़ जाता है ग्रेविटेशन के कारण, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है। तो ये है वायुदाब, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, इसने फैक्ट में सबसे पहले है सम दाब रेखा, किसे कहते हैं सम दाब, जिस तरीके से सम ताप पढ़े थे आप, ताप वाले में सम ताप, ठीक उसी तरीके से सम दाब रेखा है। सम दाब रेखा क्या होती है, समान दाब वाल दाब वाला स्थानों को मिलाते हुए खींचा गया एक काल्पनिक रेखा। मान लेता हूँ ए स्थान है, बी स्थान है, कोई ई डी ई स्थान है, वायु दाब यहाँ पे मान लेते हैं 700 मिलीबार, यहाँ पे 700 मिलीबार, और यहाँ पे 800 मिलीबार, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 800। तो सम दाब रेखा कैसे रहेगी, सम दाब रेखा ऐसे ऐसे, सम दाब रेखा ऐसे रहेगी। तो समान दाब वाले, ये इन दोनों का दाब समान है, ए और बी का दाब समान है, तो सम दाब रेखा यहाँ से गुजर रही है, ई सी बी का दाब समान है, सम दाब रेखाएं ऐसे गुजर रही है। तो सम दाब रेखा काल्पनिक रेखा है जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिला के खींची जाती है। जिस प्रकार से सम ताप रेखा समान तापमान वाले स्थानों को मिला के खींची जाती है, तो तापमान वाले चैप्टर में आप देख रहे थे, ये दाब वाला चैप्टर है, इसलिए ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे क्या देखना है कि दो सम दाब रेखाएं अगर पास पास हो, दो सम दाब रेखा, दो सम दाब रेखा पास पास हो, ठीक है, दो सम दाब रेखा ए और बी,
ये तो सम दाब रेखा है, अगर पास पास है ये दोनों, तो सम दाब रेखा पास पास होने के कारण दाब प्रवणता, सब दाब प्रवणता दाब में अंतर अधिक है। अगर दो सम दाब रेखा पास पास हैं तो दाब में अंतर अधिक होता है, अर्थात यहाँ वायु तेज गति से चलेगी, ये दो रेखाएं हैं पास पास हैं। अब अगर उल्टा कर दूं मैं, रेखाएं दूर दूर हो गई, दाब प्रवणता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। तो दाब प्रवणता जब सम दाब रेखा पास पास हो दाब प्रवणता अधिक होगी, जब सम दाब रेखा दूर दूर होगी तो दाब प्रवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा करना है आपको, यहाँ पे हवाएं अधिक तीव्र गति से चलेगी इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे सम दाब रेखा दूर दूर हो गई, हवाएं कम गति से चलेगी क्योंकि हवाएं चलती है दाब में अंतर आने के कारण, और दो दाब का अंतर है यही कहलाता है दाब प्रवणता। दो दाब को अंतर करे अर्थात ए वाले क्षेत्र में दाब, बी वाले क्षेत्र में दाब, दाब में अंतर आया तो दाब प्रवणता कहलाएगा, सीधा सा है कंसेप्ट। अगर पास पास है सम दाब रेखा है दाब प्रवणता अधिक, दूर दूर है तो सम दाब प्रवणता कम। तो बस यही फैक्ट है, बने रहिए टू डू आइस में, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।